मैं आपको ब्लाउज की बहुत ही सुंदर डिजाइन के बारे में बता रही हूँ जो कि काफी अच्छे बनने वाली है। पूरा वीडियो जरूर देखें और कमेंट करके ये भी बताएं कि ये डिजाइन आपको कैसी लगी और आप कहाँ से देख रहे हैं। देखिए ये ब्लाउज का कपड़ा है, ये बॉर्डर है जो कि ये स्लिम में आएगा और ये प्लेन ब्लाउज है जो कि मैंने ब्लाउज कट कर लिया है। अभी बैक फ्रंट पार्ट और इसका स्लिप बाकी है और इसका बैक जो मैंने कट किया है वो आपको बता देती हूँ। देखिए ये इसका बैक पार्ट है जो कि मैंने कट कर लिया है। तो देखिए ये हाफ कॉलर में रहेगा, फ्रंट में वी नेक रहेगा और हाफ कॉलर रहेगा और बैक साइड में इसमें डिजाइन भी रहेगी। पूरा क्लोज नहीं है, बैक साइड में डिजाइन देंगे हम। तो जैसे नॉर्मल कट करते हैं वैसे कट कर लिया है, आपको साइज बता देती हूँ। देखिए जो ब्लाउज की लंबाई ली है मैंने 14.25 इंच ली है और ये हमारा 40 का साइज है और तैयार रहेगा। तो देखिए फोर्थ भाग आएगा इसका 10 इंच और 2 इंच का मैंने इसमें मार्जिन ले लिया है। आप कोई भी साइज का लेते हैं तो 2 इंच का मार्जिन ले लें, ये 2 इंच का मार्जिन रहेगा इसमें। और देखिए जो इसके मुड्डे लिए हैं मैंने 7 इंच लिए हैं, आप अपने साइज के अनुसार ले सकते हैं। और इसका शोल्डर लिया है वो 7.5 इंच लिया है। अभी हम नेक ड्रॉ करेंगे तो जो ऊपर हमारा नेक रहेगा वो कॉलर नेक रहेगा, पता है जैसे मैंने ये हाफ कॉलर है तो यहाँ पे हम इस तरीके से 3.5 इंच पे यहाँ पे एक मार्किंग कर लेंगे। और इसमें ज़्यादा कटिंग नहीं होती है कॉलर वाले में, सिर्फ 1/2 इंच की कटिंग होती है। जितना हमारा शोल्डर पे स्टिचिंग में जाएगा उतना ही हमारा कॉलर में जाएगा। तो यहाँ पर हम कॉलर में इस तरीके से 1/2 इंच की शेप दे देते हैं। देखिए इस तरीके से जाएगा और ये पार्ट हमारा यहाँ पर स्टिचिंग में चला जाएगा, तो इसको भी कट करेंगे। अभी हम इसके डिजाइन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जितना आप लंबाई रखना चाहते हैं डिजाइन की, जितनी गहरी डिजाइन उतना आप ले सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया है ये 10.5 इंच, यहाँ पर 10.5 इंच पे एक बॉक्स बना लेंगे और शोल्डर से 4 इंच है ये। अभी हम इसमें डिजाइन देंगे तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं 2 इंच का, 2 इंच का एक बॉक्स बना लेते हैं। अभी 2 इंच का ये बॉक्स बन गया। अभी इसमें जो ये बॉक्स है इसके अंदर हम डिजाइन देने वाले हैं। तो देखिए जो हमने यहाँ पे ये बॉक्स बनाया है यहाँ से हम इसकी शेप देंगे। तो देखिए इस तरीके से हम इसकी कुछ शेप देने वाले हैं। देखिए ये डिजाइन जो है ना काफी अच्छी लगती है, आप एक बार जरूर ट्राई करें। देखिए इस तरीके से इसकी जो शेप है कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अभी इसी ड्राफ्ट में हम इसको कट कर लेंगे। तो देखिए ये डिजाइन जो हमारी कटकर तैयार हो गई है। अभी हम इसी ड्राफ्ट को रख के कैनवास कट कर लेते हैं। देखिए मैंने ये कैनवास का टुकड़ा ले लिया है, हम सेम ले लेंगे अंदर वाली लाइन और बाहर में ज्यादा चौड़ाई नहीं ले रही हूँ इसकी, 1/2 इंच की चौड़ाई में ही कट कर दूंगी। तो देखिए मैंने इसकी मार्किंग कर ली है, अंदर सेम रहेगा बाहर हम 1/2 इंच ले लेंगे, ज्यादा नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम इसको पलटेंगे। कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए मैंने नीचे ये सीधा ब्लाउज रख दिया है, इसके ऊपर ये अस्तर रख दिया है। जो कैनवास का हमने ड्राफ्ट किया है इस कैनवास के ड्राफ्ट को यहाँ पे रख लेंगे इस तरीके से। रखने के बाद अभी हम इसको पूरा शेप में स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद इस नेक को कट कर देंगे, इसको पलट देंगे। पलटने के बाद फिर चारों तरफ से स्टिच डालेंगे और उसके बाद मैंने ब्लाउज में कपड़ा एक्स्ट्रा ले लिया था जो कि मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी। तो देखिए जैसे मैंने बताया था मैंने इसको पूरा स्टिच कर लिया है, नेक को जो कपड़े का नेक था उसको कट कर दिया है और अभी इसको पलट के इसकी फिनिशिंग दे देते हैं। देखिए मैंने ये गोल्डन कलर की वीट वाली लेस ली है जो कि मैं नेक के अंदर से इसको लगाऊंगी। आप कोई भी लेस इसमें यूज कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे अंदर की तरफ वीट रहेंगे और जो भी ये प्लेन वाली है वो पूरा अंदर की तरफ चली जाएगी। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे कोने में स्टार्ट कर देते हैं। उसके लिए मैंने फुटर चेंज कर लिया है क्योंकि फुटर से लगाएंगे तो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ लग के तैयार।
ये लेस मैंने जो है नेक में भी स्टिच कर दिया है और देखिए कमर में भी स्टिच कर दिया है। तो ये पूरा लेस हमारा तैयार हो चुका है। और देखिए मैंने कुछ ये मोती लिए हैं, तो एक मैंने छोटा मोती लिया है, तो पहले मैं छोटे मोती में से निकाल दूंगी। मैंने गोल्ड कलर का ही धागा ले लिया है, इस तरीके से निकाल देंगे। इसके बाद देखिए फिर हमने ये बड़ा मोती लिया है, इसके बाद फिर ये दो मीडियम साइज के मोती लिए। और एक ये थोड़ा ऐसे छोटा मोती लिया है, तो इस तरीके से मैंने ये मोती ले लिया है। अभी यहाँ पे मैं इसको स्टिच कर दूंगी, देखिए इस तरीके से। तो जो ये डिजाइन है ये सेंटर में आ जाएगी और इसको अच्छे से टाइट कर दूंगी, तो ये डिजाइन जो है हमारे यहाँ पे इस तरीके से ये ट्रैंगल लटकन जो है दिखेगा हमारा। आप चाहे तो कपड़े का भी बना के कुछ लगा सकते हैं, मैंने मोती का ही लगाया क्योंकि मैंने इसमें मोती लेस यूज करी है, तो मोती का ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं इसको पूरा टाइट कर देती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से टाइट कर दिया, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक ही है, ये एक ही लटकन बहुत ही सुंदर लग रहा है। और आप चाहें तो इस तरीके से और भी इसमें लगा सकते हैं, मैंने एक ही लगाया है और छोटा सा ही लगाया है क्योंकि नेक भी हमने ज़्यादा ब्रॉड नहीं रखा है, क्योंकि ये पूरा हाई नेक है, ये कॉलर रहेगा इसमें आगे की तरफ में, तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा क्योंकि बीच में थोड़ा सा ये डिजाइन हमारा सिंपल सा आ जाएगा। तो आप इस आसान तरीके से ये सिंपल सी डिजाइन बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।